हेलो 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 क्या कहना चाहेंगे आज इवेंट के बारे में बात करें जो ये मेरे सपने की एक छोटी सी बच्ची है जो सिंगिंग कर रही है आई नो इतनी प्यारी सी गुड़िया है प्रांजलि सिन्हा एंड मैं उसको अभी मिली तो वो इतनी खुश हुई एंड वी ऑल ऑफ अस फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड ब्लेस सपोर्ट एंड इनकरेज सच लवली टैलेंट तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आजकल वैसे भी मैं एक रियलिटी शो की जज भी हूँ जिसमें छोटे छोटे बच्चे गाने गा रहे हैं उसमें तो बस बहुत जल्दी रिवील होने वाला है कौन सा है ये सो मज़ा आ रहा है इट्स लवली टू सी सच टैलेंट बिल्कुल पर आजकल के बच्चे तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम तो अपने मेरे बचपन में मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी सो आजकल के बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप इन बेटर एक्सपोजर बेटर कंडीशनिंग हमारे तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट हमारा वो होता था और पढ़ाई पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था कि पढ़ाई करो पढ़ाई 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 बट अब चिल्ड्रन वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू देयर आर्ट एंड टैलेंट सो ग्रेट इट्स वंडरफुल दे वेरी लकी एंड गॉड ब्लेस दिस लिटिल गर्ल हाँ जब जी आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं एंड नॉट जस्ट टैलेंटेड उनको बात भी इतनी अच्छी करनी आती है मतलब दे आर रेडी टू गो मतलब बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होती उनमें तो ये एक चीज़ जो है जो मैंने ऑब्जर्व करी है सब बच्चों में दे वेरी कॉन्फिडेंट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट सो कॉन्फिडेंस की मैं दाद देती हूँ और इट्स रिमार्केबल अभी जाने देना यार पवन आई लव यू भी कह चुकी हूँ कि मुझे बहुत खुशी है इतनी छोटी सी उम्र में इतनी टैलेंटेड लड़की जो कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर एज ए सिंगर बहुत दोनों तरीके से वो अपने आप को पेश कर रही हैं जो कि हमारे भाई की ही कंपनी जीतू शंकर जी उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे सपने तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये दुआ करती हूँ कि वो बहुत सक्सेसफुल हो और खूब नाम कमाएँ पर उसके साथ साथ अपना रियाज प्रैक्टिस और अपनी एजुकेशन का पूरा ध्यान रखें ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने भी काफी कम उम्र से मतलब सिंगिंग करियर शुरू किया था तो कम उम्र से शुरू करना कितना बड़ा चैलेंज होता है या कितना बेनिफिट होता है उसका देखिए इस बारे में ये सब गॉड गिफ्टेड होता है आपको कुछ प्लान नहीं करना होता जिसकी तरफ बहुत से बच्चे कोई पेंटिंग्स में जाते हैं कोई डांस में जाते हैं कोई इंजीनियर कोई डॉक्टर तो ऐसे एक सिंगर एक कला है जो हम लोग सिंगिंग में चले गए बचपन से ही माहौल भी था तो उससे एक फ़र्क होता है ये पड़ता है कि अगर आप शुरू से ही उसमें आते हैं तो आपकी बुनियाद थोड़ी मजबूत होती है आप ज़्यादा देर तक गा रहे होते हैं तो उसका फ़ायदा होता है आपको क्या इंस्पिरेशन था मतलब क्या इंस्पायर किया था आपको इस फील्ड में आने के लिए सिंगिंग में या म्यूजिक में ये सवाल मुझे समझ नहीं आया ऑफकोर्स म्यूज़िक में आने के लिए इंस्पिरेशन जब मैं गाती थी लोग मुझे और बढ़ावा इंकरेज करते थे तो उसमें मेरी दिशा में मैं आगे बढ़ती गई बच्चे भी आजकल काफ़ी अच्छा गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मैं सब बच्चों को बहुत सारा प्यार देना चाहूँगी क्योंकि मैं सारे टैलेंट हंट शोज जिसमें बच्चे स्पेशली परफॉर्म कर रहे होते हैं मैं टाइम निकाल के देखती हूँ रिपीट टेलीकास्ट होता है तो देखते हैं बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है उन बच्चों को देखने में परिजा जी आपका क्या आ रहा है आपने उसी पहले एल्बम में काम भी किया था ये क्या कहते हैं कि आगे चल के कुछ आप फीचर करते हैं एल्बम में वो एक वो कहते हैं ना हर कलाकार के अंदर एक कीड़ा होता है वो निकाल दिया मैंने ताकि मन में ये ना रहे कि मैंने ये नहीं किया सो आई डिड इट अब उसके बाद मैंने अभी पीछे एक सूफी एक गाना किया था जिसमें मेरे साथ पृथ्वी गंधर थे जो इस वक्त मेरे साथ ही हैं जोगी दे नाल हम लोगों ने किया था और लोगों को बहुत पसंद है आप जरूर सुनिएगा थैंक यू सो मच दीदी फॉर द ऑलवेज आगे कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं कोई वीडियो आ रहा है एल्बम आ रहा है क्या आ रहा है आगे एक और गाने पे ही काम चल रहा है सिंगल पे
प्लस मेरा अपना खुद का गाना भी मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ जिसको मैं री रिलीज करूँगी. थैंक यू. आज मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी तरफ से मुबारकबाद देने प्रांजलि को. प्रांजलि सिन्हा एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची है जो कि बहुत अच्छी कंपोज़र भी है और बहुत अच्छी सिंगर भी है. तो उसका ये एल्बम मेरे सपने ये आज रिलीज़ है रेड रिबन कंपनी से. तो मैं यहाँ पर उसको मुबारकबाद देने उसको विश करने यहाँ पर आया हूँ. और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रांजलि के लिए है कि ईश्वर उसको इस संगीत जगत में खूब ख्याति दे नाम दे. और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी संगीत के प्रति बहुत जागरूकता है. और अभी मैं लिटिल चैम्प्स में एज ए ज्यूरी मेंबर हूँ तो मैं वहाँ भी देख रहा हूँ कि लिटिल चैम्प्स में भी एक से एक बढ़िया टैलेंट्स जो है वो आ रहे हैं. जी टीवी का जो प्रोग्राम है लिटिल चैम्प्स उसमें तो वहाँ पर एज ए ज्यूरी मेंबर मैंने बहुत अच्छे टैलेंट्स देखे हैं. बहुत ही छोटे छोटे से बहुत अच्छे होनहार बच्चे. तो इट्स गुड कि छोटे बच्चे भी आज म्यूज़िक में इंटरेस्ट ले रहे हैं. या देखिए आजकल क्या है ना कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों के लिए. पहले के ज़माने में ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. आज टीवी माध्यम है और टैलेंट हंट्स आ रहे हैं. बहुत प्रोग्राम्स आ रहे हैं म्यूज़िकल प्रोग्राम आ रहे हैं बड़े बड़े. तो उनमें बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़िक जो है वो आगे बढ़ रहा है. थैंक यू वेरी मच. मैं राम शंकर आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएँ. थैंक यू. मेरा नाम प्रांजलि सिन्हा है. ये मेरी कॉम्पोजिशंस की एल्बम है. मेरी आई हैव ओन कंपोज्ड और मैंने गाया है. तो ये हम लोगों ने इसको पूरा रिकॉर्ड करके हम लोगों ने एक एल्बम बनाई है मेरे सपने. और एक गाने के हम लोगों ने वीडियो शूट की है वो है खोए हो तुम जाने जाना. जी मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती हूँ. और इसमें सारे टाइप के गाने जैसे कि सपोज एक हैप्पी सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, एक लव सॉन्ग, एक फास्ट नंबर, तो सब कुछ है इसमें. और क्या है गाने की लाइनें हैं? सुनना है जी जी सारे गाने. खोए हो तुम जाने जाना, देखो जरा तुम मुस्कुराना. खोए हो तुम जाने जाना. हाय मेरा नाम पीयूष शंकर है. मैं जीतू शंकर जी का बेटा हूँ. और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है आज यहाँ पे आने के लिए. एंड प्रांजलि शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड अ कंपोज़र. एंड शी इज़ लाइक इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी वर्किंग ऑन दिस वंडरफुल एल्बम. सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मोर ऑफ इट. जी ये हम लोगों ने किया है. लाइक आई हैव अरेंज द होल म्यूजिक एंड आई हैव डन दिस थिंग. प्रांजलि हैड कंपोज द म्यूजिक एंड हम लोगों ने काफ़ी बोला लाइक वी हैड सेट ऑन दिस व्हाट वी कॉल ऑन दिस प्रोजेक्ट. जब हम लोगों ने शुरुआत की थी सॉन्ग्स की सो आई डिडंट न्यू दैट शी इज़ ऑल्सो सच अ वंडरफुल एंड अ टैलेंटेड कंपोजर. बिकॉज बहुत कम लोग हैं आज के टाइम में इस उम्र में जो सिंगिंग के साथ साथ कंपोजिंग जो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही यूनिक चीज़ है जो अभी करते आ रहे हैं. सो आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड एंड आई वॉज रियली अमेज दैट शी इज़ डूइंग सो गुड. ऑलरेडी उसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है ही. एंड हम लोगों ने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी व्हेन शी हैड मेड मी हियर ऑल दिस सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग. सो द फर्स्ट थिंग हम लोगों ने जो गाना किया था वो खोए हो तुम जाने जाना करके एक ट्रैक है ऑफ दिस एल्बम मेरे सपने. सो हमने वो किया था एंड मैं चाहता था कि मैं उसको थोड़ा
अलग स्टाइल अलग जोन में अरेंज करने की कोशिश करूँ, थोड़ा यंग, थोड़ा आज के भी थोड़े स्टाइल में, येट उसकी जो मेलोडी है उसको ध्यान में नज़र रखते हुए. सो बहुत या हाँ गाने का कॉन्सेप्ट है कि इट्स अ वेरी रोमांटिक ट्रैक. इसमें एक रोमांटिक ट्रैक है, एक सैड सॉन्ग है, देन उसके बाद एक थोड़ा फास्ट सॉन्ग है. सो इसमें हर एलिमेंट है जो हमने देने की कोशिश की है. एंड उसी के साथ साथ हम लोगों ने सबका साउंड थोड़ा डिफरेंट करके रखा हुआ है. तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी और बहुत ही स्पेशल थी उसके साथ काम करने के लिए. शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड वेरी अपकमिंग सिंगर फॉर ऑल द पीपल, बिकॉज ऐसे आर्टिस्टों को देख के हमको ये लगता है कि आज के इंडिया में इस ज़माने में एज की कोई लिमिट नहीं है. सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब इतना अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी हार्डवर्क कर रहे हैं कि अच्छा म्यूज़िक लेके आए लोगों के सामने, और बस हम उनके साथ ही इंडल्ज करके किए हुए हैं. थैंक यू सो मच. इधर आ जाओ बीच में. नहीं नहीं अब जरा कुछ भाई, ये सबसे तलब आज बच्ची का, इसका बेटे नाम क्या आपका? प्रांजलि. प्रांजलि और रेड रिबन कंपनी ने जो हमारे जीतू भाई के हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ तलब भाई की तरफ से भी, हमारी तरफ से. बच्ची का ये एल्बम बहुत मशहूर हो, अल्लाह करे. अभी बड़ा लंबा सफ़र है बेटा, बड़ा लंबा सफ़र है, सीखती रहें. हाँ, और खुदा से दुआ करता हूँ कि इनकी जो कंपनी है वो और इस तरह के गज़ल, सूफ़ी, क्लासिकल, क्योंकि यही लोग हैं जो म्यूज़िक को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहें. क्यों तरह से? बिल्कुल सही. हाँ, दिल से महसूस करो, आँख से देखा ना करो. वाह वाह, वो है खुशबू, उसे छूने की तमन्ना ना करो. तो ये खुशबू फैला रहे हैं म्यूज़िक की. बेशक, थैंक यू. बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस भाई ने कह दिया, हमारे बड़े भाई ने कह दिया, आप और क्या कहूँगा मैं. सर, अगर आप दो शब्द अगर बच्ची के लिए कह दें. बस मैं दुआ करूँगा बच्ची को कि अभी लंबा सफ़र है, काफ़ी तवील सफ़र है, अभी तो शुरुआत है, और मैं बस ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसे और तौफीक दे और इसको रियाज़ करवाए और इसको आगे चलते चलते. बहुत लंबा सफ़र है, शुरुआत अच्छी हुई है इस उम्र में. बस आई विश यू ऑल द बेस्ट. शुरुआत इन्होंने की है तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. एक बड़े कलाकार के हाथों से शुरुआत. नहीं मेरे नहीं, बड़े बड़े कलाकार तो ये प्रिविलेज है कि तलत भाई, रिचा, राजकुमार भाई, समीर भाई, ये सब आए हैं. और आज मेरे बड़े भाई, मतलब मैं तलत भाई को अपने पिता की जगह हैं वो मेरे, तो इट्स अ प्रिविलेज कि वो आज आए हैं. नहीं पिता की उम्र के नहीं, मेरे बड़े भाई है. सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि वो आज आएँ और प्रांजलि को आशीर्वाद दे रहे हैं और आज का लॉन्च वो कर रहे हैं. सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू. I thank Talat bhai, Richa, Rajkumar bhai and everybody.